प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार शाम भिलाई पहुंचे। इस दौरान वे सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में मनवा कुर्मी छत्री समाज की ओर से आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। देश की आजादी के समय वे महात्मा गांधी जी के साथ छुआछूत का समाज में विरोध करते नजर आते थे। छत्तीसगढ़ के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। गौरतलब है कि सिविक सेंटर कला मंदिर स्थित ऑडिटोरियम में मनवा कुर्मी छत्री समाज के तत्वावधान में हर साल की तर्ज पर इस साल भी छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टया एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के प्रथम अगुवा डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर राज्य के मुखिया भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक देवेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल व महापौर नीरज पाल सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। तत्पश्चात समाज द्वारा अतिथिगणों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात प्रतिभावान छात्र सम्मान व सेवानिवृत्ति सम्मान, साथ ही डॉक्टर खूबचंद बघेल नामक द्वारा सम्मान नेत्र चिकित्सक लाखेश चंद मड़रिया को दिया गया। शामिल अतिथिगणों ने डॉक्टर खूबचंद बघेल को स्मरण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। डॉक्टर साहब के जीवनी, उकर व्यक्तित्व, उकर कृतित्व, इला हम सब जाना था। राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, सहकारिता क्षेत्र, एक अच्छा लेखक, कला कलाकार, एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी। जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से करी। डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ के जेल गीस, और ऐसा बहुत कम हिंदुस्तान हुई जेकर माता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, जेकर पत्नी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, खुद तो रही भी कर रही थी। और बाद लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ उकर संघर्ष रही से, तो देश के आजादी पर संघर्ष भी करी, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही से, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन के अग्रणी व्यक्तित्व रही से। आजादी की लड़ाई के समय न केवल आजादी की लड़ाई बल्कि समाज सुधार के भी क्षेत्र में काम होते थे, और समाज सुधार भी उस समय जिन छुआछूत थे, ऊंच नीचे उगर खिलाफ लगातार महात्मा गांधी के नेतृत्व में संघर्ष चला थे। यूं अनेक ऐसे उदाहरण आप यदि छत्तीसगढ़ के इतिहास आप पढ़ो तो यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा मंदिर में अनुसूचित जाति के मतलब प्रवेश कराए काम करे, तो जनेऊ पहनाए के भी आंदोलन वो समय के जते भी बड़े नेता थे मन करे, चाहे चेदीलाल मैजिस्टर हो, चाहे पंडित रविशंकर शुक्ल हो, चाहे डॉक्टर बघेल हो, चाहे राघवेंद्र राव हो, ये मन जाके यदि हमारे पाटन क्षेत्र में कहा तो उदयराम जी, पंथराम जी, ये मन खूब करे है आंदोलन के। अब अनुसूचित जाति के यदि केस कर्तन करना है कांग्रेसी मन आगे बढ़ के वो आंदोलन में भाग गए, तो जो छुआछूत की जो लड़ाई है वो समय खत्म करे के काम उमे डॉक्टर खूबचंद बघेल खूब आगे बढ़ के काम करे। चंदखुरी में ये सेठ बरछिया जी से अनंत राम बरछिया वो एकदम सपनामी के केस कर्तन कर दी, मतलब हेयर कटिंग करी, तो गांव भी छोड़ दी, समाज भी छोड़ दी। तो डॉक्टर साहब ऊंच नीच के नाटक लिखी और चंदखुरी में ओकर मंचन हुई, ओमें डॉक्टर साहब खुद लिखे भी नहीं से, और साथ साथ ओमें कलाकार के रूप में उन भाग भी ले रही से, और देखे भर यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल जी से, महंत लक्ष्मीनारायण दास ये बड़े बड़े जिन रायपुर के जितना बड़े नेता है थे, चंदखुरी गांव में जाकर रात के नाटक देखे, और सुबह होते होते
गांव वाला मन के और समाज वाला मन के हृदय परिवर्तन हुई। सब सुबह नाटक सिराए के बाद तुरंत गांव बैठक हुई और सेठ अनंत राम बचिया वैसे हमारे समाज में सब दाऊ होते, मालगुजार होते, किसान होते, मजदूर भी होते, लेकिन सेठ बहुत कम होते। लेकिन अनंत राम बचिया जी सेठ अनंत राम बचिया के नाम से जाने जाते थे। और गाँव में बैठक हुई और बाद फैसला हो रही थी तो वापस गए। समाज में जड़ता बहुत रही है और जड़ता पर निश्चित रूप से समाज के व्यक्ति मने समाज के जन रतन चाहते वो मन लड़ाई लड़े अगर लंबा भाई आज से थोड़े होते। भगवान मुझ से लेके कबीर तक के आप आ जाओ समाज की जिन कुरीति है तेरे खिलाफ लड़ाई लड़े। महात्मा गांधी का समाज को नहीं छोड़ी से अत्य पर छोड़ दी से क्यों विदेश भी समुद्र पार कर समाज को निकाल देगी। काज ये समाज अलग रचना करे। आदरणीय डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह के आयोजन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत बधाई। आज गरिमा में कार्यक्रम में उनकर उपस्थिति हो है, लगातार हर कार्यक्रम में उनकर उपस्थिति रही थे। समाज में दिशा दे के काम चलत रहते होवत रहते। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ला हमन बहुत ही सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा के रूप में स्मरण करथन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में स्मरण करथन, प्रखर राजनेता के रूप में भी हम पूरा स्मरण करथन, साहित्यकार के रूप में, चिंतक के रूप में, वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में, न जाने होकर कक्का अकन क्षेत्र में हस्े अपन जीवन काल में रहे होकर वो दिशा में हम सब बोले स्मरण करथन, याद करथन। और निश्चित तौर पे ये हर क्षेत्र में उनका योगदान रहे तभी जाके बोला हर क्षेत्र में स्मरण किए जाते। और छत्तीसगढ़ के स्वप्न निष्ठा के रूप में आज जिन सपना देखे रही से आज वो साकार हो जाती ये हम सब के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। और स्पष्ट मानना है कि समाज के संगठन के माध्यम से आज ये सामाजिक संगठन के कार्यक्रम है, सामाजिक संगठन के माध्यम से ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हस्तक्षेप ना किए जा सके, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र हो, समाज उत्थान के क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, चिकित्सा के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में व्यवसाय के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में संगठन के सामाजिक संगठन के माध्यम से हस्तक्षेप किए जा सकते। भिलाई जो कि एक मिनी भारत का स्वरूप अपने अंदर समा के रखा है और इस भिलाई में देश के हर कोनों से लोग आके यहाँ पर बसते हैं। मैं बहुत बार इस बात को सोचता था कि सेल ने तो बहुत सारे जगह प्लांट लगाए, सेल ने जो आधुनिक तीर्थ कहा जाता है बहुत सारी जगह प्लांट लगाए, लेकिन मिनी भारत का जो स्वरूप और भावना केवल भिलाई में क्यों आ रहती है। और ये भिलाई ऐसा इतना बहुत ही स्पष्ट वातावरण भिलाई का ही क्यों है, उसका पीछे का जो कारण है ना वो छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत। छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत में वो भावना है कि उन्होंने देश भर से आए हुए लोगों को अपनाया और अपने साथ प्रेम व्यवहार से यहाँ पर अपना पन का भाव दिया। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूँ कि मुझे अगर कहूँ सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, पहले भी आप लोगों के सामने कहा है, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहने का अवसर मिल रहा है आपके पास। जब जब कार्यक्रमों में मैं आया हूँ मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। कारण है चूंकि हम राजनीतिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो सीखना है, राह चाहिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ क्योंकि कुर्मी समाज से आने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे जो व्यक्तित्व है वो केवल एक समाज पर केंद्रित नहीं है, पूरे विश्व का चिंतन वो करते हैं, लेकिन उनके नीचे रहकर मुझे राजनीतिक राह मिल रही है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महामानव के जन्म
आज से 123 वर्ष पूर्व पथरी गांव में हुई। माल गुजार परिवार, लेकिन वो सबसे अछूता रहते हुए डॉक्टर खूबचंद बघेल जी जन मात्र 69 वर्ष की आयु में जो कर दिखाई, आज पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश देखा। बहरहाल इस गरिमामयी आयोजन में बड़ी संख्या में समाज सहित दिगर समाज के लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।